हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो यात्रा। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो विवेकानंदा मेमोरियल रॉक कवर करने के बाद हम बैठ चुके अपनी फेरी में और अब हम निकलने वाले हैं तिरुवल्लुवर स्टैचू की तरफ। सो फेरी में बैठते जाने तिरुवल्लुवर स्टैचू के कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से। सो 10 मिनट फेरी की राइड करने के बाद हम पहुंच जाते हैं तिरुवल्लुवर स्टैचू। और गाइस, यहां से आप व्यू से भी चेकआउट कर सकते हैं कि कितने बढ़िया दिख रहे हैं। और ये वो फेरी है जिसमें हम अभी आए। सो गाइस, अभी मैं खड़ा हूं तिरुवल्लुवर स्टैचू में और यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं विवेकानंदा मेमोरियल रॉक का व्यू। सो एक्चुअली वहाँ पर आप जब देखते हैं तो अलग ही दिखता है, उधर से अलग ही दिखता है एकदम। सो गाइस, यू कैन फाइनली चेक आउट हेयर तिरुवल्लुवर स्टैचू डेट इज़ अराउंड 41 मीटर टॉल, डेट इज़ 133 फीट। और अगर मैं बात करूँ तिरुवल्लुवर की, तो वो एक बहुत ही बड़े कवि थे जिनकी यहाँ एक स्टैचू बनाई गई है उन्हें सम्मान देने के लिए। सो यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर ना आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत है और ना ही यहाँ पर आपको क्यू में लगने की ज़रूरत है। सो अभी हम पहुँच चुके हैं तिरुवल्लुवर स्टैचू के एंट्री गेट पे और अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर और ऊपर से देखते हैं कि व्यू कैसा दिखता है। तब तक आप विवेकानंदा मेमोरियल रॉक का व्यू चेकआउट कीजिए यहाँ से। स्टैचू के अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपको अपने जूते उतारने पड़ते हैं और जूते उतार कर अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये स्टैचू कितना बढ़िया दिखता है ऊपर से और यहाँ से नज़ारे कितने अच्छे दिखते हैं। अभी से एक साल पहले ये स्टैचू रेनोवेट हो रहा था, सो आप इसे दूर से ही देख सकते थे, बट अभी हम इसे यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ लिखा है वे टू तिरुवल्लुवर स्टैचू और अभी हम चलते हैं अंदर। Last one. Thank you.
सो तिरुवल्लुवर स्टैचू पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस जा रहे थे कन्याकुमारी सिटी। सो अभी लाइफ जैकेट लेते हैं यहाँ से और निकलते हैं सीधा अपनी फेरी की तरफ और यहाँ से निकलते हैं अभी कन्याकुमारी सिटी की तरफ। फेरी की 10 से 15 मिनट की जर्नी के बाद हम वापस पहुंच जाते हैं कन्याकुमारी सिटी, जहां से हमने अपनी फेरी पकड़ी थी और यहां से अभी हम बारी बारी उतरेंगे। बाकी आप बाहर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहां से वेदगंगा मेमोरियल रॉक जाने के लिए। और यहां से अभी हम उतरते हैं, खाना पीना खाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं होटल में जाके, और फिर मैं मिलूँगा आपको शाम को एंड देन वी विल सी नाइट लाइफ ऑफ कन्याकुमारी। गाइस, अगर आपको याद होगा तो सुबह हमने यहीं से टिकट ली थी, यहीं से हमने लाइन लगाई थी अपनी। अभी देखो पूरा खाली है, वो पीछे है टिकट काउंटर और देखो पूरा खाली है ये। सो गाइस, अभी हमने ऑर्डर किया है नॉर्थ इंडियन थाली जिसका कॉस्ट है 120 पर प्लेट। सो एक्चुअली मुझे यहाँ साउथ इंडियन ही खाना था, बट साउथ इंडियन यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ख़त्म हो चुका है। बाकी अभी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर रोटी, पापड़, दही और एक आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी और एक दाल मिल जाती है। बाकी अभी खाने की बात करें तो खाना बहुत ही अच्छा है और इस होटल का नाम है ताज होटल। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, यू मस्ट ट्राई। अभी तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो होटल में जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को सनसेट देखेंगे।